भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कृषि कानून आपके पक्ष में है, मित्रों पक्ष में है। कृपया इस धरने को उठा लीजिए वरना बहुत माड़ी होगी मित्रों। पिए 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 अच्छा, और मैंने तुझको ये नहीं पूछा कि खासा पिए या संतरा पिए, और तू मेरा पिए है, मैंने तुझको आवाज मारी है। ये किसान आंदोलन के बारे में बताओ, क्या नई ताजी खबर क्या है? नई ताजी खबर ये है कि जेड़े तुझी कुत्ते छटे है ना, ओह अपने केड़े कुत्ते कीली जाने। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, तमीज से। पिए हो थप्पड़ मार देना, मैंने पिए हो पिए बन के देख लाए। बोलो पिए हो, बोलो पिए हो। मैं इनका पिए हूँ, वो एंड में बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो मेरी गल सुन ला बंदे वांगू। हां जी, जेड़े तू कुत्ते छड़े आंदोलन च अजी नहीं उजाले आज तक का ये छड़े जेड़े ना, हां जी, वो जवाब दे गए आखे तेरे पतंत्र मानते नहीं है। मानते नहीं तो इन पर ऐसा करो, वाटर की बछारे कर दो, वाटर कैनन के गोले छोड़ दो। वो किधर फिरदा वाटर बछाड़ा कर लू तू? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਟ ਬਛਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਤੋ ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਛੋੜ ਦੋ। ਔਰ ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਛੋੜ ਦੋ। ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦੋ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਲਾ ਛੱਟਿਆ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਠੰਡ ਬੋਲਣੇ ਦੇਖ ਲੋ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇਨ ਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦੋ ਕਿਸਾਨੋ ਪਰ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੇ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇਨਕੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਜਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇਂਗੇ ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਓਏ ਕੋਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਟਿੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਸਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਘਿਓ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਗੇਲਣ ਦੇਖ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਗਾ, ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਥਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਓ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਤਨਾ ਲੰਗਰ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰੋ, किसी किसान भाई से बात कराओ, मैं अपने मित्रों से बात करना चाहता हूँ, मेरी किसान से बात करवाओ। ऐना साइड में मुंह देख, तेरे मित्र लग दिया है दंदिया बड़े नू फिर दिया गाता, तेरी करा दूंगा तेरा, आपका जिम्मेवार आप होएगा। तुम मेरी बात तो करवाओ। अच्छा आए कर, आए कर, आए कर, तेरे मां कर दे कौन बैठा बात तो मैं कर लूं, बस थोड़ी सी जगह दे दो भजन को। मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ, मेरी किसी किसान आगू से मत बात करवा देना, उनके मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो किसी साधारण किसान से बात करवा। साधारण वाला पंगा कराना गल। हेलो हेलो, हां जी मैं अपने प्रधानमंत्री का पीए बोलदा जी। तेरी अब्बा मैं पीए बोलदा जिनू गा 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 केड़ी तेरी ओ चवल किथे चवल 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 जी चवल नाल गल चवल जी हां ओदी ओदी गल करदा चवल जी गल करे बड़ी गल करे किसान जी ने कहा गल करो यार गल करो मतलब चवल हूं तो मैं हूं मैं तेरा पीए ना गल कर अच्छा हेलो मित्रों ओ मित्रा बाहर चो तू बाहर निकलो ऐसी अक्के बैठे हो मैं तेन दसा मैं तो खूंडे नु तेल ला लिया मैं तेरा सिर पारना किसान भाई आप प्रेम से बात करिए प्रेम से बात करिए प्रेम प्रूम दा मैनू नहीं पता तू किथे है मैनू दस तेन मैं दसा मैं आपको मित्रों कहना चाहता हूँ कि ये कृषि कानून आपके पक्ष में है आप इस बात को समझिए और धरना उठाकर चले जाइए ओ मैं तेन दसा तेरी आप एक तो यार तुम लोग किसान गालियां बहुत निकालते हो जब से आए हम आप भेने कितनी हुई है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा 7 साल का इतिहास है
मुझे डराने की कोशिश मत करो। 7 साल का इतिहास है, मैं कभी पीछे नहीं हटा। और जे तेरा 7 साल का इतिहास है ना, ते साडा भी 550 साल का इतिहास है, पीछे असी भी नहीं हटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, मेरा नाम मोदी है। और तू डरता नहीं? नहीं डरता। तू डरता नहीं? नहीं डरता। और जे नहीं डरता ना, जेड़ी धरने च लाश ते ट्राली खड़ी है ना, ओनू हाथ ला के पुठा मुड़ जा। जे पुठा मुड़ गया ना, ते असी भी आपदे सके प्यो दे नहीं। फोन काट गया यार, किसान फोन काट गया। चलो कोई बात नहीं, अगर किसान बात नहीं सुन रहे तो मैं अपने आरएसएस खाकी कच्छों वालों को फोन लगाता। हेलो, हाँ जी आरएसएस जी। हेलो, हाँ जी आरएसएस जी। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी, आपका बच्चा मोदी। बच्चा नहीं, कुत्ता ना। नहीं आरएसएस जी, मैं ये बोल रहा था कि किसानों ने धरना लगा दिया है, और अगर ये धरना ना उठा तो ये याद रखिए, सत्ता गिर जाएगी, पार्टी गिर जाएगी। तो मैं क्या करूं? अरे महाराज, 1925 से लगे हैं, बड़ी मुश्किल से खाकी कच्छे पहने हैं, अगर ये किसानों का धरना ना उठा तो मम्मी कसम इन्होंने कच्छे भी उतरवा लेने हैं। मैं तुमको पंजाबी में बताता हूँ बात। हाँ जी, देखो मुझको बहुत संकोच, बहुत टाइम लगा है जो खाकी कच्छा बनाने में, हम उसको पेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को लगता है जो तुम्हारे लक्षण है तुम्हारा कच्चा भी उतर पाओगे खाकी। समझा ना मेरी बात? वही तो मैं बोल रहा था यार। नमी क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक ये कानून हम देख लो। कानून की बात मत करना, वापस मत लेना, रद्द मत करना, तुमको रद्द कर दूंगा मैं। मालिक फोन काटो, मैं बिजी हूँ। ओके, आरएसएस ने भी नहीं सुनी यार। कोई बात नहीं, अपने वफादार मालिक को फोन लगाता हूँ, अंबानी जी। हेलो अंबानी जी, भाव 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 भाव। आवाज नहीं आई। हाँ जी, भाव 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 भाव। अच्छा मोदी बोल रहे। हाँ जी, हाँ जी, आपका पालतू कुत्ता। बोलिए अंबानी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये किसान है जो इन्होंने, इनकी वजह से हमारे लाइन्स टूट रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना का लाइन्स टूट गया, पंजाब में अकाली दल का लाइन्स टूट गया, उसके बाद हरियाणा में 6 MLA इस्तीफा दे गए, तमिलनाडु में अलायंस टूट गया। अगर यही चलता रहा, अगर 2-3 महीने किसान और बैठ गए तो हमारी सरकार टूट जाएगी। मैं तो बोलता हूँ कि ये कानून हम रद्द कर दें। मैं तुम्हें गल दसा। हाँ जी, जब दोबारा कानून रद्द करने की बात की ना, मैं तुम्हें जड़ा कर दी। पहला तो ना, मैं दुनिया की, मैं इंडिया का एक नंबर का अमीर बंदा ही, इन्होंने मेरा जियो का सिम बंद किया, मेरा माल बंद किया, 10वें 12वें नंबर ते ले आया, जिमे लगे पे है ना, ये मेथों दिहाड़ियां करवाणगे। मैं तेनू दसा, जिंदाबाद। और ना गल नंबर 2, जे तू कानून वापस लैण दी गल कीती ना, मैं तेनू गल याद करा दिया, तेरे ते 1500 करोड़ रुपया लगा तेनू प्रधानमंत्री बनाउण ते। हां जी, 1500 करोड़ मोड़ दे, कानून कराना जो करना कर ली, 10 मोड़ेगा। हम कहां से मोड़े जी, हम तो गरीब बंदे, चाह बनाने वाले बंदे हैं। फिर ढाई मारदा कुत्ते, मैं पूरा इंडिया च थां थां शैलो बनाया, इन्हों तो फसल खरीदूंगा 2-4 साल महंगिया, जो हो गया मंडिया बंद, फिर इन्हू दुगुनिया करके बेचूंगा, इन्हू को पता लगना, यह इन्हें जागे फिर मैं पता ही नहीं मैं पंगा कि ले लिया। चलो ठीक है अंबानी जी, वाह 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 वाह। यार ये अंबानी जी, इन्होंने तो मुझे फुटबॉल का बॉल बना दिया है, वहां से किसान लात मार देते, इधर से अंबानी, उधर से आरएसएस, बीच में खुदो खुंडी हो रहा है। यार मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, कोई तो आगे आगे आगे। आप मेरे साथ हो? मेरी बहन। आप कौन हो? मैं हरजीत गरियाल। हरजीत गरियाल मुर्दाबाद। नहीं पछाना यार सर जी, की गल, मैं ताडा चगैरदे जी, तुम पछाणे नहीं जी, तुम कौन हो? ओ मैं बिंदे बिंदे, मैं किसान ने धुखी कढ़ा रखी है, मैं बयान ते बयान, मैं थोड़े पक्ष चा। ओ
तुमने किसानों के खिलाफ बोला? मैं ही बोला मैं। ओ दफा हो जा, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। दफा हो जा मेरी पार्टी से। तुझे किसान पंजाब से निकाले ना निकाले, मैंने बीजेपी से निकाल देना। दफा हो, अब तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? सिली सिली आउंदी हवा। ए बेटा जेरे तेरे लक्षण है हवा सिली सिली ही आनी है। सुखी हवा कहां से पालता है? अजे तो शौक शुक्र कर तेरी सिली सिली हवा आ रही है। जाओ जे तेरे लक्षण है तेरी भिगी भिगी हवा आनी है। सिली सिली आंदी है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते। यार तू कोई हल बता, मैं क्या करूं, मैं बीच में फंस गया हूं। मैं कौन? तुम मेरे पीए हो। बन गया ना और मनाऊ अजे। हाँ पूछो। अरे यार मुझे कोई हल बताओ, मैं निकलू इस चंगुल से। हल दस देना तेनू मैं। हाँ जी हल है भाई। गल्ला दो, गल्ला दो। पहली बताओ जल्दी से। पहली पहली गल है अभी यार, खून वापस ले ला। नहीं लूंगा, नहीं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। देख ला। नहीं नहीं नहीं। अच्छा यार बड़ी संगत सच्ची गल, ओ किकरे भी लंगे, बेरियां भी लंगे, ओ किकरे भी लंगे, बेर लंगे रह गए रंडरी, ओ लंगे रह गए रंडरी, ओ आ गए हनड़े, ओ तेरे सारेयां दे पिंड ने हनड़े। तुम कौन हो यार? मैं सदीक हां। ओ मैं नु दसन भुले, मैं सुने के प्यार भरी संगत ने तुसी कानून कानून बनाते। आज तक मां कसम इसकी एक बात भी मुझे समझ नहीं। तुम बताओ भाई, मुझे पहला हल बताओ। पहला हल किसान वीरो, इनू हल दस दिए, बता दो। गल्ला दो ने पहली गल तेनू दसी सी भाई, कानून वापस ले ला। कानून वापस मैं नहीं लूंगा। नहीं दूजी दसा। हां जी आत्महत्या कर ला। मेरा ऐसे नहीं आत्महत्या करूंगा, फिर हमारा भी रिकॉर्ड बोलता है। जब जब हमें आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी है, हमने देश में दंगे करवाए हैं, नरसंहार किया है। 2002 गुजरात गोधरा कांड याद है कि नहीं? देख ला। अब एक फौजी भाइयों को फोन लगाता हूँ, बड़ी मलम पट्टी करवा के रखी है मैंने फौजियों की। फौजी भाई कल को जाना है, ये किसान हट नहीं रहे, हम भी अपनी जिद से वापस नहीं हटेंगे। जितने मरते हैं मरने दो, कल को गोलियां चला दो। आजो मेरे फौजी भाइयों, आजो। अभी जाऊंगा फौजियों के साथ और किसानों को खत्म कर दूंगा। यस सर, यस सर। रफल तान लो, सिद्धी कर लो रफल, ऊपर नहीं इधर। ये किसान बैठे हैं, सब पे गोलियां चला दो, सब पे मार दो, सबको मार दो, मार दो। अरे किसानों को मारना है भाई। अच्छा छा राफल भाई फट ला, जट सौदा करना है यार। ओए यार फौजी तुम मुझे क्यों कह रहे हो यार? तेरी फौजी भाई, फौजी भाई तुम मेरे खिलाफ कैसे हो सकते हो? मैंने पाकिस्तान के लिए तुम्हारे लिए पाकिस्तान से पंगा लिया, तुम्हारे लिए मैंने चाइना से पंगा लिया। फौजी भाई तुम हमारे साथ कैसे गद्दारी कर सकते हो? मैं दादा चीन नाल पंगा लिया कोई चक्कर नहीं, पाकिस्तान नाल पंगा लिया कोई चक्कर नहीं, तू साडे मां प्यो नहीं पंगा। मनवाना क्या है वो बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल मनावा गे, तू बोले पर ही मने तेन मटरा दसन गए किसान भरा। हाँ जी किसान, जेड़े तू तीन बिल पास किए इन्हू वापस ले। हो गए कर, हो गए। और क्या किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इसमें क्या है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद? जिन्ना चेर मूहरों बोल देनी उन्ना चेर उच्ची किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब तो माफ कर दो यार, किसान मजदूर है। वैसे जेड़ी ये ना होई है ता पल्ले ता कुछ नहीं रहा, चल तेनू मिस्त्रियों दिहाड़ी लवावा। आ जा मेरा।